छोड़ो मुझे यार। क्या है यार, देखती हूँ मैं करोगे तो बीबी है थोड़ा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे और गाइस सुरक्षित होंगे। आज बहुत ही तगड़ा फ्रैंक करने वाला हूँ, क्योंकि आज थोड़ा रोमांटिक भी होने वाला है, थोड़ा और वंदना जी को गुस्सा भी दिलाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही तगड़ा रिएक्शन होने वाला है वंदना जी का। आज बहुत ही तगड़ा रिएक्शन आएगा वंदना जी का, क्योंकि आज ना वो गई है, कहीं और गई है, तो वो आने वाली है। मैं कैमरा वमरा सेटल कर लूँगा और उसके बाद जो वंदना जी का रिएक्शन दिखाऊँगा, थोड़ा मतलब हंसी भी आएगा, थोड़ा रोमांटिक भी टाइप में होगा, थोड़ा वो उसको हंसाएंगे और फिर रुलाएंगे भी। तो गाइज, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही तगड़ा होने वाला है, तो हमारे वीडियो पर मतलब लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। और तो हमारे जो ब्लॉग जो नहीं देख रहे हैं गाइस, तो हमारे यहीं पे मिल जाएंगे, जाके आईडी उस पर देख ले, लव जॉन्स ब्लॉग है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी के बारे में जो वंदना जी को जो दिक्कत हो रहा है वो वीडियो अपलोड वहाँ पे हो रहा है, तो ढेर सारा प्यार वहाँ पे दीजिए। और चलिए हम कैमरा वमरा सेटल करते हैं और दिखाते हैं वंदना जी आने वाली है, तब तक वेट करते हैं, चलिए दिखाते वीडियो में, बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला, तब तक लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जी, यहाँ पे फाइनली कैमरा सेटल कर दिया और वंदना जी आने वाली है। जब देखो तो गले पीछे आके पड़ जाती है, और कोई काम नहीं है तुम्हें? ये कौन सा बात हुआ? तो जब देखो तुम तो गले लग जाती, इधर से आए चुपके से पकड़ क्या है यार, गले क्यों पड़ते रहती है हमेशा? तो किसे गले पड़ू? जब बाहर से मतलब बाहर से आए तुरंत गले पकड़ लेती है। यही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक है आकर ना फोड़ रहा है, गर्मी का सीजन है, जब देखो तो आके ऐसे पकड़ लेती है। गर्मी लगता है मुझे, नहीं लगता है फालतू का काम। क्या हुआ है उधर, काम से जा रहे हो इतना दूर, एक हाथ की दूरी का कोरोना बना है अभी, और तो कोरोना चला गया अभी कोरोना गया, अभी कोरोना नहीं है यार, इतना दूर बैठ रहे हो, क्या हुआ? क्या क्या है हा? क्या क्यों ऐसे गले पड़ रही है मेरी यार, बड़ा हरामी हो तुम्हें काम धंधा नहीं है, घर का काम नहीं है तुम्हें? क्या घर का काम करूंगा, क्या मेरा घर का काम जो था होना? जब देखो तो आके ऐसे गले पकड़ लेती है, गले पकड़ती मेरे बोझ बन जाता है, ऐसे मोटे के बोझ रखने लग जाता है, आपको मैं गले पकड़ती हूँ लगती हूँ तो सुन, क्या बोझ बन जाता है तू, ऐसे वजन इतना मोटी है ही है, ऊपर से गले पकड़ लेती है, बोझ हो जाता है, मोटी लगने लग गई है, बोझ बन जाता है, अब मोटी लगने लग गई, मैं इतनी मोटी तो हूं, बैठ तू ठीक है यार, क्या हो गया है बता ना। जब देखो तो ऐसे गले आके पकड़ ले, तो मोटी भैंस की तरफ उधर आके लग जाती। क्या मोटी भैंस लग रही हूं मैं आपको? तो और क्या, खाली पेट ही तो निकला है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे क्या है यार, कंट्रोल क्यों, मेरे पीछे क्यों गले गले पड़ी है? गले पड़ी नहीं, क्या बोले, गले पड़ी है, गले पड़ना अलग बात होता है, मैं तो ऐसा हक कर रही हूँ, हक कर रही हूँ, जब देखो तो गले आके पकड़ लेती है, कम से कम दूर रहा करो थोड़ा। क्यों दूर रहूँ, क्यों दूर रहूँ बताना, क्यों दूर रहूँ, किस लिए दूर रहूँ मैं? मोटी भैंस की तरह आके वजह आती है, चिपक जाती है, ये नहीं कि दूर रहूँ थोड़ा, गर्मी का सीजन है, इसलिए दूर रहूँ, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे हक है सटने का, गले लगने का, सब कुछ करने का। अरे तो दूर से भी बातें हो सकते हैं, दूर से भी यार बोल सकती है। मुझे दूर से बात नहीं करना है ना, मुझे अभी मुझे आपके पास बैठना है, पास बैठना है, फिर उठे चले गए। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में क्या करो, जब देखो तो गले में पड़ जाती है। नो 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 नो, दिखाई है मतलब ठीक होती है, नहीं आप देख लीजिए
आईने तो और शक्ल खराब दिखाएगा, मोटी दिखाएगी उसमें और अच्छा। तो अच्छा। अलग ही दिखा देखने से तो कितनी अच्छी लग रही है। चलिए दिख दिख रहा है और मोटी दिक्कत रहा दिख रही है आपको, वो नहीं दिख रहा है। आईना में देखेगा तो वो शक्ल खराब लगेगा आपको। चाहे शक्ल ऐसे में ड्रेस पहन लीजिए, दिखाने के लिए आएगा ड्रेस वो सुंदर लग रहा है नहीं लग रहा। तो ये बात तो आप बोले ना कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मतलब सुंदर लग रही हूँ। क्या ड्रेस नया पहना इसके लिए दिखाने के लिए आए? चुप कर बे कुत्ते, गले पड़ने के लिए आ जाती है। आप बोले भी तो ना अच्छी लग रही है। क्या तुम तो बहुत अच्छी लग रही है। आपने बोला भी, बोला कि अच्छी लग रही है न्यू ड्रेस में। हाँ आईना भी देखेगा तो वो शक्ल लगा खुद उसमें खराब दिखाएगा। ए, देखने आप इतना अच्छा लग रहा है। वाह मस्त लग रही है। हाँ, तो... खाली पेट लग रहा है बाहर बस, और क्या लग रहा है? बोल रहे आप चुप रहो। मोटी भैंस की तरह आ जाती है ड्रेस दिखाने के लिए आती है। तो मेरा ड्रेस देखो मैं पहना हूँ आज, कितना स्मार्ट लग रहा है, दिखाने के लिए आ जाती है। वैसे तो स्मार्ट लग ही रही है ड्रेस में। आपको ना छोड़ूंगी, आप ज्यादा वो कर रहे हैं, देखती हूँ क्या करते हैं। घर में काम हो गया है क्या? क्या करते हैं आप बताओ मुझे। आप प्यारी समझ गई। काम कर लिया पूरा घर का, हो गया मेरा काम, कोई काम नहीं मुझे। गले पड़ने में बोझ लगता है यार, ऐसे गले पड़ने में क्या बोझ लगता है? अभी मोटी बोले, अभी बोल रहे बोझ लगती हूँ, ऐसे बोझ लगता है, गले पड़ जाती है। बड़ा हरामी हो बेटा। घर का काम हम सारे कर ली। मैं नहीं नहीं रहूंगी, जब काम करती रहूंगी तब। घर का सारे काम कर ली, फुर्सत हो गई है काम से, काम घर का पड़ा है, काम करती हूँ और यहाँ आगे परेशान करने के लिए आ गई। नहीं करती सुबह से खाना, तो मतलब काम ही करते रहो। घर का काम सारा हो गया लग रहा है सर। कोई काम तो है ऐसा कर लेता घर का, मुझे काम है मैं जाऊंगा, मुझे काम है, मुझे चलो मैं अपना काम करने के लिए जाऊँ। अरे छोड़ो लूँ तो कहाँ जाओगे? अरे मेरा काम है, अभी बच्चे को स्कूल जाना है, स्कूल से लाना है मुझे। अभी बाद में जाना, मेरे को पहले। अरे भैया तू क्या देख रही हो? हर दुआ को कर रहा हूँ, छोड़ो मुझे, मैं बाहर नहीं छोड़ूंगी। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी वाइफ, आपके दामिनी हूँ, सारा कुछ भी कर सकती हूँ। अरे तो बीवी है, थोड़ा दूर से भी बात कर सकती है, थोड़ा दूर से भी बात कर सकती है। ऐसे गले पड़ के मेरे को बोझ लगता है, ऐसे गले पड़ जाती है तो बोझ पड़ जाता है मेरे को, ऐसे गले पड़ती है। क्या बोझ लगता है बताना, क्या बोझ आपको लगने लग गया? क्या बोझ लगने लग गया आपको? क्या आपको बोझ लगने लग गया? मेरे को बोझ लगता है थोड़ी दूर से बात कर, ठीक है? यार क्या हुआ है? जाइए मैं दूर बैठ गई करने नहीं आपसे बात, दूर क्या बैठे नहीं जब रहूंगी ना तब बोलेंगे, इधर इधर काम नहीं करूंगे। अरे क्या हो गया तुम, आप जल्दी होगी क्या? अरे क्यों रो रही होगी? अरे क्यों ऐसी होगी? तो क्या कर रही थी पड़ोस में कोई बीवी हूँ ना, मैं भाग नहीं कर सकती। अरे रो मत यार, मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। अरे मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, फ्रेंड कर रहा था, तुम्हारा कैमरा लगा था। तो गाइस कैसा लगा देखिए बंदा जी का रिएक्शन, यही था वो, आप सबको वीडियो पसंद आएगा। तो कैसा लगा बंदा जी का रिएक्शन? मैं सोचती हूँ कोई घर में नहीं है तो अच्छे से थोड़ा रिवाइंड करेंगे, ये फ्रेंड करना चालू कर देते हो। तो गाइस जो आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल को जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वीडियो धमाकेदार के साथ में, तब तक के लिए।